नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर टाइम। राजस्थान का एक होनहार लड़का बिहार आता है। उस वक्त बिहार में अपराध चरम सीमा पर होती है। हत्या, डकैती व अपहरण का दूसरा नाम रहे बिहार में अपराधियों से लोहा लेना और अपने अनुभवों को किताबों की शक्ल देना। उसके जीवन पर आधारित ऐसी ही किताब पर नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर रिलीज हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा व उनकी खाकी वर्दी की सच्ची कहानी के बारे में। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में भी रियल हीरो की कमी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार के एक नौजवान से प्रभावित होकर एक वेब सीरीज बनाई गई है और उनकी कहानी क्या है। बिहार के आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा राज्य और देश के सबसे लोकप्रिय अधिकारियों में से एक हैं। उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्हें सुपर कॉप यानी पुलिस का एक अत्यधिक कुशल और समर्पित सदस्य के तौर पर भी जाना जाता है। आईपीएस अमित लोढ़ा मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जयपुर से की। अमित लोढ़ा 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अमित लोढ़ा दिल्ली आईआईटी से ग्रेजुएट है। उन्होंने पहले ही प्रयास में यूपीएससी भी क्रैक किया। अमित ने अपने 25 साल के पुलिस करियर को दो किताबों में निचोड़ कर रख दिया है। इनमें से एक किताब बिहार डायरीज पर बॉलीवुड के निर्देशक नीरज पांडे ने वेब सीरीज बनाने का फैसला किया। नेटफ्लिक्स पर रिलीज खाकी दी बिहार चैप्टर यही वेब सीरीज है। इसमें अमित लोढ़ा की भूमिका में करण ट्रैकर है। किताब को स्क्रीन प्ले की शक्ल देने वाले उमा शंकर सिंह बिहार के सहरसा के रहने वाले हैं। अमित की छवि बिहार में अपराधियों से लड़ते हुए बनी। करीब 25 साल पहले का बिहार संगीन आपराधिक वारदातों के लिए बदनाम था। यहां से डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर व्यवसायी तक हर वर्ग के लोग पलायन कर रहे थे। ऐसे में राजस्थान से आए दुबली पत्ती काया के नौजवान 1977 बैच के आईपीएस अमित लोढ़ा यहाँ के अपराधियों को एक एक कर सफाया कर देंगे, ऐसी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अमित लोढ़ा की गिनती बिहार के टॉप आईपीएस अफसरों में होती है। ये वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर तैनात है। उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक और आंतरिक सुरक्षा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है।